parler là. Yo. Dole, mai kamu ini dulu. Dole. Ya. Aji. इधर से बोला क्या बैठे बैठे ना नहीं हम ठीक है बैठे लो बैठे अरे बैठे में बोला अब बैठे ना नहीं हम ठीक है देखा उधर से कुछ बातचीत चली उधर से इमोशनल कुछ बातें किया फाइनली बोला मनाया उनको मनाया उनाया लुक एक्सचेंज किया एक बार इधर से भी बोला मान जाओ गुंजो हुआ कुछ हुआ बातचीत चले दादाजी ने सबने देखा एक एक करके धीरे से उठ के गया मैं सुशी कर जाता हूँ एक उठ के गया देखा उधर से कुछ उठ के गए कुछ इधर से गए कुछ उधर से गए दादाजी भी गए उधर तुमने देखा हमें देखते कहाँ गया आ जाओ इधर हम बात करते हैं कौन पकड़ेगा तुझे कह पर आप भी डेली सुनैना जी आप आइए सुनैना जी आइए दादी जी अब उसके हिसाब से सब लोग अपना बोल क्या मिल रहा है ये थ्री मिल रहा है ले थर्टी टू डाल देना थर्टी टू डाल दे उसमें टू शॉट टू शॉट बना ले कब हो गया जी नहीं तू मत क्या करे प्लास्टिक गिरा नहीं अभी तक प्लास्टिक छुड़वाना मैं रुका रहूंगा कोई टेंशन नहीं है प्लास्टिक गिराना हाँ अभी ना पीछे ओ पटाया थोड़ा बाहर आओ पटाया और बाहर भाई इतना नहीं पटाया बस थोड़ा पीछे बीच में आओ इन दोनों के बीच में आओ इन दोनों के बीच हाँ नहीं इन दोनों के बीच में हाँ बस आज इन दोनों के बीच की बात अरे अरे हाँ करिश्मा इधर नायरा के पास पीछे 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 अलग कुल कुल ये बाजू का नहीं गिरा ना बेटा ये देख ये विंडो का आ ओके दरवाजा बंद करो डोर बंद करो डोर बंद करो ना बॉडी टेन देखो आगे देखो आगे देखो रोल रोल साइलेंट प्लस कैमरे के लेफ्ट इस कैमरे ये कैमरे के तुम भैया मम्मा अम्मा सब लोग इधर पे हाँ रोल आप लोग के लिए इधर आप तीनों के कैमरे के पास हाँ ले लीजिएगा हाँ आके रुकिए जस्ट आके रुकिए रोलिंग सब लोग बोलिएगा एक्शन अक्षरा ठीक हो ना तुम बेटा तू ठीक है ना कैसे लगी ठीक हो पीछे फोकस बोलिए हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखा भाभी माँ बोली पर तेल गिराया किसने देखा गिरजा सामने खड़े हो लेकिन आपने साधक मार मैंने हां रोलिंग क्या एक्शन बट ये तेल गिराया किसने बाबू वहां से बोले कि बट मेरे से गिर गया मैं तेल लेके जा रही थी गिर गया देखा वहां से बड़ी दीवानी ने तू एक काम ठीक से नहीं करती हां देखा अक्षरा बोली मैं बिल्कुल ठीक हूं और थैंक यू संग्राम तूने मुझे गिरने से बचा लिया अरे बस बस शर्मिंदा मत करो मैडम जी देखा आपस में बोले संग्राम ने बचाया आप लोगों देख के बाहर इसको भी आशीर्वाद शुरुआत दिया आप लोगों ने एक ना अच्छाई का फल जरूर तुम्हें मिलेगा हाँ ओके ओके कुछ नहीं हुआ थोड़ा उधर खींचो थोड़ा उधर खींचो थोड़ा उधर खींचो थोड़ा उधर खींचो ट्रॉली आगे लो और इस तरह आगे लेना करिश्मा को सोलो करो इसको बाजू में खड़ा कर ए बच्चा ओ हां
थर्मा को दिखाओ उस कैमरे के साथ लगा सकते ये हमारा नहीं है ये रोलिंग अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है क्या हुआ मत बोलो तुम ठीक है ना अच्छा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप चिंता मत कीजिए यहाँ भानू वाली ये तेल गिरा कैसे यहाँ पे गिरजा बोले कि मैं मेरे हाथ से गिर गया कोई काम तुम ठीक से करते नहीं हो राष्ट्र में बाल गोपाल की एक बार सब कुछ ठीक हो गया बच्चे अच्छा अच्छा बोले हाँ माँ लेकिन संभाला मुझे संग्राम ने नहीं तो मैं पक्का गिर जाती थैंक यू अक्षरा बोली अच्छाई का फल तुम्हें संग्राम जरूर मिलेगा ओके ओके नक्स को फट से याद आया मेरा कहानी में खत्म हो गया भैया बोल डायरेक्ट ले जाओ आज रुको डायरेक्ट हो गया बेटा जो चाहिए ले जा बेटा है ना 16 नंबर मास्टर है जाओ पहले ये नीचे आए कि हो गया आनंद आनंद मधु एक्सपोजर बोल रहा है ना ये काट दिया हैप्पी अब कर लेना पीछे पीछे केबल और ना देख पाएंगे मैच लुक किधर और कैमरे के पास आ जाओ अभी देखिए अभी देखिए सर एकदम कैमरे की एज पे दिखा अभी करूं प्रमो कर लीजिए रोलिंग हो गया एक्शन हो गया आई एक्शन
वेरी गुड, अब ना रहेगा केबल और ना देखेंगे मैच। रियली बुआ, बहुत ही सुपर आइडिया था, टू गुड। पहली बार जब केबल, पहली बार जब वायर काटे, एक बार पहले पहली बार जो वायर काटा था तो आपसे डांट खाई थी, और इस बार वायर काट रही तो आपकी कहनी पर। हाँ तारा, पर ये हमारे घर की वायर है, पड़ोसियों की नहीं। हंसो। पेमेंट देगा। हाँ चढ़ाओ। जो वायर काटते हैं उसके बारे में। ओके, सो एक्चुअली हम सबको यहाँ पे मकर संक्रांति सेलिब्रेट करने बुलाया था, और ये जो सारे लड़के हैं, ये जो सारे पापा अंकल्स हैं, ये सब बैठ गए मैच देखने। तो एक अक्षरा बुआ ने हमें बहुत ही अच्छा सा आइडिया दिया था, और हमने उनकी वायर काट दी ताकि अब कोई भी मैच ना देखे और सारे के सारे बाहर खेलने आ जाए। हम बच्चों को हमेशा बोलते हैं कि फैमिली गैदरिंग्स है तो सबको एक साथ मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये खुद बैठ गए मैच देखने। तो बस ये एक छोटी सी शरारत है जो हमने हमारे अंकल्स के खिलाफ की है। ये शरारत तो नहीं, लेकिन बहुत सी बाकी की शरारतें की है, लेकिन केबल तो आज तक कभी काटी नहीं। बट ठीक है, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके अब जरूर काटूंगी किसी की। ऋतिक रोशन इज माय फेवरेट एक्टर, ही वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मेरी बड़ी बहन के पर्सनल फेवरेट है, और हर साल हम ऋतिक रोशन के बर्थडे के लिए घर पर केक मनाते हैं, और हम केक लाकर हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सो यस, आई एम विशिंग ऋतिक रोशन अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ स्पेशल फ्लाइंग किस फ्रॉम माय सिस्टर टू यू। अच्छा, तो आप अपने ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहती हैं जो आपका शो देखते हैं, इतना प्यार देते हैं? कल ये रिश्ता क्या कहलाता है पूरे 7 साल कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट डे जो था दैट वॉज 12th of Jan। सो सारे ऑडियंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि इतने साल वो ये रिश्ता पर अपना प्यार दिखाते रहे, और अब जब एक साल हो गया है और हम जो नए कास्ट आए हैं हम सब पर भी इक्वली उतना ही प्यार जताते रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आर शो एंड हेल्पिंग अस ग्रो। थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी।